नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की इस अपडेट में हम आपके साथ सोलन से लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। मौसम आज भी हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। बारिश और बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग द्वारा आज भी अलर्ट जारी किया हुआ है और हिमाचल प्रदेश में लगातार छठे दिन बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है और आज भी इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में रहने की संभावना बनी हुई है। आप सोलन की तस्वीरें देख रहे हैं कि सोलन में किस तरह से घनी धुंध इस वक्त छाई हुई है। हल्की हल्की बूंदाबांदी सोलन में हो रही है। रुक रुक कर बारिश का जो दौर चला हुआ है वो लगातार जारी है। पिछले कल तो जमकर सोलन में मेघ बरसे हैं, बारिश अच्छी हुई और सोलन में करीब 32 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जिस तरह का मौसम विभाग के आंकड़े तो उसके अनुसार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और सोलन की यह तस्वीरें केवल सोलन में इसी तरह की धुंध नहीं है बल्कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में इसी तरह की धुंध है। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में भी इसी तरह का मौसम बना हुआ है। धुंध वहाँ पर भी छाई हुई है। विजिबिलिटी की समस्या से दो चार होना पड़ सकता है। जिस तरह के मौसम के हालात बने हुए हैं इसकी वजह से वाहन चालकों को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वजह ये है कि एक विजिबिलिटी की समस्या से दो चार होना पड़ेगा उन्हें सड़कों में, और सड़कों की जो हालत है वो काफ़ी दयनीय है क्योंकि बारिश का दौर लगातार जारी है। जो सड़कों के गड्ढे मिट्टी से भरे हुए थे अब वो उखड़ चुके हैं और यही वजह है कि वाहन चालकों को काफ़ी असुविधाओं का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। और आप NH5 की तस्वीरें देख सकते हैं कि हालात किस तरह के बने हुए हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। शिमला शहर प्रदेश में यदि हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच आज क्लियर हो जाएगा। राजपूत अभिषेक जी यह जानकारी दे रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि आज भी हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बंद है पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में भी एक दो स्थानों पर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। और प्रकाश छांछा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। नितिन शर्मा जी का स्वागत है, बंसी लाल जी का स्वागत है, दीपक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं उनका स्वागत है, मदन लाल जी का स्वागत है और यशपाल कश्यप जी का भी हम स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी के इस मौसम के बुलेटिन में सोलन की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में रविवार को पांचवें दिन बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहा। मौसम विभाग की ओर से कल ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था कि प्रदेश में जमकर बारिश होगी, बर्फबारी होगी। मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं और वो बता रहे हैं कि आज मौसम साफ है। करसोग में पिछले कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है परंतु आज मौसम करसोग का साफ है। करसोग की वो जानकारी दे रहे हैं दीपक जी। और दीपू बाबा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कुल्लू में कैसा मौसम है? मौसम के विभाग के अनुसार तो आज थोड़ा बारिश और बर्फबारी का मौसम बना हुआ है। मीनू प्रजापति जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और जोगी सामटा जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। तेन सिंह ठाकुर जी का स्वागत है, संदीप चंदेल जी का, रघुवर सिंह भोंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी के बुलेटिन में सोलन की ये तस्वीरें, कुलदीप ठाकुर जी का स्वागत, सोलन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि धुंध यहाँ पर छाई हुई है और विजिबिलिटी जिस तरह की है तो उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काफ़ी विजिबिलिटी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। 200 मीटर से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हल्की हल्की धुंध इस वक्त छाई हुई है, बीच बीच में बूंदाबांदी भी हो रही है और अब बारिश अभी गई नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार यदि हम कल की बात करें तो रविवार को शिमला समेत हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्रों में दिन भर झमाझम बारिश होती रही और चोटियों पर बर्फ की मोटी परत चढ़ गई है। काफ़ी अधिक बर्फ देखने को मिली है। और DR कामटा जी का भी स्वागत है। और हिमाचल प्रदेश में चार नेशनल हाईवे समेत 475 सड़कें अभी तक बंद है, उन पर यातायात ठप हुआ है। जो लोगों की दुश्वारियाँ हैं वो लगातार बर्फ के पड़ने के बाद बढ़ी हैं। हालांकि पहले इंतजार हो रहा था कि हिमाचल प्रदेश में सूखा है, बारिश नहीं हो रही है, और जब 30 जनवरी से जो बारिश का दौर शुरू हुआ वो अभी तक जारी है और उसके बाद अब लोग थोड़े परेशान होने शुरू हो गए हैं कि दुश्वारियां लगातार बढ़ती जा रही है। वजह ये है कि कई जगहों पर बिजली गुल है और यही वजह है कि लोगों की
और डीजी भाई हमारे को बता रहे हैं कि अब मज़ा आ गया, बर्फ आ गई और हो गई। जगतार सिंह जी, ऊना में बादल व धुंध है, जगतार जी की तरफ से जानकारी है। ठाकुर लेखराज हमारे साथ जुड़े हैं, टिंकू पुष्प जी जुड़े हैं, वंदना जोशी जी जुड़ी हैं, सुशील ठाकुर जी जुड़े हैं, डी आर कामटा जी जुड़े हैं। तो सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं और दर्शकों के माध्यम से मौसम की अपडेट हमें मिल भी रही है कि किस तरह का मौसम उनके एरिया में इस वक्त आज देखने को मिल रहा है। हालांकि अलर्ट आज भी है और नेशनल हाईवे समेत 475 सड़कें हमने आपको बताई है कि बाधित है, जहां पर यातायात प्रभावित हुआ है। और प्रदेश भर में 333 बिजली के ट्रांसफार्मर बंद हो गए हैं और इसकी वजह से इन क्षेत्रों में, विशेषकर ये जनजातीय क्षेत्र है जहाँ पर बिजली गुल है। कुल्लू लाहौल स्पीति में ताज़ा बर्फबारी के बाद अटल टनल रोहतांग यातायात के लिए फिर बंद कर दिया गया है। टनल के आसपास 45 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई है और दो दिन पहले भी बीआरओ ने बर्फ हटाकर टनल को आपातकालीन सेवा के लिए बहाल किया था। लेकिन जिस तरह से कल मौसम का मिजाज बदला और हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हुआ और बर्फबारी का, तो उसकी वजह से इस तरह की दिखते हैं। इस वक्त आर्य बलदेव ठाकुर जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। लुकेंद्र परोस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, संजीव राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं और राजन जी मशोबरा से इस वक्त जुड़े हुए हैं। और खराब मौसम के चलते कुल्लू मनाली में स्कूल व अन्य शैक्षणिक संस्थाएं अभी संस्थान बंद कर दिए गए हैं क्योंकि हालात ठीक नहीं है। और कुल्लू लाहौल स्पीति में मौसम का एक बार फिर करवट कल बदली है। कुल्लू लाहौल स्पीति में बर्फबारी और बारिश का दौर शुरू हुआ तो जिस तरह से वाहनों की आवाजाही अटल टनल से बंद रही है, क्योंकि वजह यह है कि बर्फ़ की अब मोटी चादर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिली है। अटल टनल के रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल पर 15 सेंटीमीटर, साउथ पोर्टल पर 12, शिशु में 9 सेंटीमीटर तक ताज़ा बर्फबारी हुई है। इस तरह का आंकड़े सामने आए हैं और बारिश और बर्फबारी की वजह से लोगों की दुश्वारियाँ थोड़ी बढ़ गई हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में रूट बसें प्रभावित रही है। पांगी में भी बर्फबारी इस बार जमकर हुई है और जनजातीय क्षेत्र पांगी देश दुनिया से इस वक्त कटा हुआ है। ऐसे में फिर से शुरू होने वाली बर्फबारी पांगी वासियों के लिए दुश्वारियां बढ़ा सकती है। मौसम विभाग का और चार दिनों से पांगी के क्षेत्र में बहुत सारी पंचायतें ऐसी हैं जहां पर अंधेरे में डूबी हुई है क्योंकि बिजली गुल है, ट्रांसफार्मर इस वक्त बंद पड़े हुए हैं। और पांगी से कुल्लू और कुल्लू समेत 19 संपर्क मार्ग पर यातायात पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। जनजातीय क्षेत्र पांगी की सुराल में 2 फीट बर्फबारी बताई जा रही है और शीतलहर का प्रकोप इस वक्त हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से बढ़ा हुआ है। शीतलहर चली हुई है, धुंध की वजह से थोड़ी दिखते हैं इस वक्त आ रही है। जनजातीय क्षेत्रों में महाविद्यालय 11 फरवरी तक अवकाश घोषित किया गया है क्योंकि लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। मंडी जिला में भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं, वहां पर भी मंडी जिला में शीतलहर की चपेट है। अब तक बर्फबारी के चलते जिला के 36 मार्ग बंद बताए जा रहे हैं। 100 ट्रांसफार्मर और 35 पेयजल योजनाएं वहां पर बंद है। सिराज, चौहार, घाटी, नाचन के कई इलाकों में जरूरी सामान की आपूर्ति इस वक्त प्रभावित हो चुकी है। पाइपें जाम है और पानी की आपूर्ति में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति होगी कि लोगों को बर्फ़ पिघलाकर पानी निकाल रहे हैं, इस तरह का हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। और अटल टनल रोहतांग धुंधी साउथ पोर्टल में भी लगभग 7 इंच तक बर्फबारी हुई है, इस तरह की जानकारी है। बर्फबारी के कारण वाहनों को अटल टनल की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और पर्यटक वाहन नेहरू कुंड तक भेजे जा रहे हैं। मनाली में बर्फबारी का दौर जारी है। मनाली में सटे ग्रामीण इलाकों में 4 इंच तक बर्फबारी इस वक्त हुई है। किन्नौर जिले की बात करें तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफ़ेद चादर, ऊंचाई वाले इलाकों ने जो पहाड़ी क्षेत्र है बर्फ की सफ़ेद चादर वहां पर ओढ़ ली है। छितकुल में 60 सेंटीमीटर तक हिमपात हुआ है। बर्फबारी से ऊपरी इलाकों में शीतलहर बढ़ गई है। जनजातीय जिला किन्नौर के निगुल सरी में रविवार को पहाड़ी में एक बार फिर से भूस्खलन वहाँ पर हुआ है और शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक वाहनों के गुजरने पर वहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि लगातार वहाँ पर भूस्खलन हो रहा है। और बरसात के दिनों में भी वहाँ पर इसी तरह के हालात बने थे और यही वजह है कि अब दिक्कतों का सामना वहाँ पर एक बार फिर से करना पड़ रहा है। शिमला के छराबड़ा में नेशनल हाईवे 5 पर सड़क फिसलन से जाम लगा रहा, ये दिक्कतें वहाँ पर आई है। सड़क यातायात के लिए तो बहाल कर दी गई है लेकिन
पाला पड़ने की वजह से सड़क पर शीशे की तरफ बर्फ पड़ रही है। कुफरी और फागू के आसपास भी अभी 6 सड़कें बंद चली हुई है। दिन के समय फागू में बड़ी और हल्की बर्फबारी देखने को मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 5 फरवरी तक मध्य व उच्च पर्वतीय जिलों में के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार व्यक्त किए हैं। मैदानी भागों में भी बारिश की संभावना है। कुल्लू, चंबा, किन्नौर, शिमला और लाहौल स्पीति जिला में भारी बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। राहत अभी बिल्कुल नहीं मिली है। कुल्लू, चंबा, शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में भारी बारिश व बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के मैदानी व निचले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर अंधड़ और बिजली चमकने की भी संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। 6 फरवरी को केवल उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है, इस तरह की संभावना है। और 7 फरवरी से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, कहीं भी बारिश या फिर बर्फबारी होने की उम्मीद नहीं है। आनी और रामपुर में ओलों का भरपा कहर, क्योंकि आनी कुल्लू जिला के आनी और शिमला जिला के रामपुर में ओलावृष्टि भी हुई है, उसकी वजह से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और किसानों की फसलों को नुकसान भी हुआ है। इसकी वजह से किसान थोड़े परेशान भी हुए हैं। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में अभी बारिश और बर्फबारी का दौर आने वाला आज भी जारी रहेगा। और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में अभी लगातार पिछले 5 दिनों से, आज बारिश और बर्फबारी की बात करें तो आज 6 दिन हो गए हैं। 30 जनवरी से जो बारिश का क्रम एक प्रदेश में चला था वो लगातार जारी है। और 6 फरवरी को केवल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई। मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। 7 फरवरी से प्रदेश में पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। सुरेश चंद जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और ठाकुर कामेश्वर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। शेर सिंह जी का स्वागत है। श्याम वर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। कुशल शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। संतोष तोमर जी का हम स्वागत करते हैं। और ठाकुर बलिराम जी हमारे साथ जुड़े हैं। अर्की में बारिश का दौर जारी है और बहुत ठंड इस वक्त हो रही है। ठाकुर बलिराम जी की तरफ से हमें जानकारी आई है। धीरज श्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। नवीन बुलूनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत करते हैं। राहुल चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। अनिल वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और मशोबरा में 2 से 3 इंच तक स्नो हुआ है रात को, और शिमला में भी रात को शिमला के जो ऊपरी क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी हुई है। पूरे शहर में नहीं बल्कि जैसे फागली या फिर रामनगर का क्षेत्र है तो वहाँ पर तो नहीं, लेकिन ऊपरी रिज और जाकू मंदिर के आसपास हिमपात देखने को मिला है। तो बलदेव ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। लोकेंद्र परोस्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। संजीव राणा जी का हम स्वागत करते हैं। और गणपत जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रघुवीर सिंह जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और सुरेश चंद जी बता रहे हैं बद्दी में बारिश हो रही है साहिब जी, और बद्दी में इस वक्त बारिश हो रही है। वंदना जोशी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। गुलाब ठाकुर जी जुड़े हैं। लोकेंद्र परोस्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। चौपाल शिमला यातायात के लिए बंद हो गया है और बर्फ हो रही है, ये महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त लोकेंद्र जी से आई है कि चौपाल शिमला यातायात मार्ग यातायात के लिए बंद हो गया है क्योंकि वहाँ पर बर्फ पड़ रही है। और ठाकुर कामेश्वर जी, नरोत्तम जी जुड़े हैं। खूबे राम शर्मा जी, क्षेत्री में सारा दिन बारिश हुई है। कसौली में नरोत्तम राम जी की तरफ से जानकारी कसौली की आ रही है, लेकिन खोली है। और खोली में सिराज का क्षेत्र है नरोत्तम राम जी का, मैं भूल गया था। खोली में 2 फुट तक बर्फ पड़ी है, सिराज का क्षेत्र है और वहाँ की जानकारी देने। अलान चिंता जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। हरी शर्मा जी का स्वागत है। वंदना जोशी जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब के जरिए इस बुलेटिन में। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पर्यटक शिमला की ओर जा रहे हैं, हरियाणा नंबर की गाड़ी आप देख सकते हैं कि जा रही है, लेकिन पर्यटकों को किस तरह की सड़कें हिमाचल प्रदेश में मिल रही है तो यह उनकी एक वानगी भर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार बरसात के बाद सड़कों की हालत वैसे देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में सुधरी नहीं है, और यही वजह है कि पर्यटकों को काफ़ी असुविधाओं का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और बीच बीच में बहुत जगहों पर आप देख सकते हैं कि किस तरह की सड़कें हैं, और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटक है
हालांकि दोष तो मौसम को दिया जाता है कि मौसम हिमाचल प्रदेश में ठीक ढंग से मेहरबान नहीं हुआ जनवरी के महीने में, और यही वजह रही कि पर्यटक प्रदेश में नहीं आ रहे हैं। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार ये सड़कें भी हैं, और इस तरह की सड़कों पर कोई आना भी नहीं चाहेगा क्योंकि दुर्घटनाओं का भी खतरा रहता है और भारी असुविधाओं का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में आज भी मौसम खराब रहने की संभावना है, और सोलन की आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरह का सोलन में मौसम है। रुक रुक कर बारिश का एक दौर जारी है, अभी सोलन में धुंध छाई हुई है और पूरे जिला में इस तरह के हालात है। अर्की में भी बारिश हो रही है जिस तरह की जानकारी आ रही है, और लगातार मौसम में और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे थे, और सोलन में इस वक्त धुंध छाई हुई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी बीच बीच में हो रही है। बारिश से अभी फिलहाल राहत मिलने की संभावना तो नहीं है जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है, और मौसम विभाग का मानना पूर्वानुमान आजकल तो सही साबित हो रहे, तो इसलिए माननी भी पड़ेगी कि मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी दी जा रही है वो ठीक है। रवि वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और यदि हम मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा के लिए मौसम विभाग द्वारा आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट नहीं है, येलो अलर्ट जारी किया गया है भारी बर्फबारी का। इसके अलावा जो प्रदेश के मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ पर बारिश, और जो निचले क्षेत्र है वहाँ पर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। अभी ठाकुर कामेश्वर जी शिमला से करसोग मार्ग यातायात के लिए खुला है या नहीं, कृपया जानकारी दें। और हमारा दर्शकों से आग्रह रहेगा कि जो उस क्षेत्र के लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, कृपया यह जानकारी दें कि वो मार्ग खुला है या नहीं, और क्योंकि बड़ी उम्मीदों के साथ ठाकुर कामेश्वर जी हमारे से यह जानकारी मांग रहे हैं, और हम आप लोगों के ऊपर इस वक्त थोड़े निर्भर हैं कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। और वर्मा बबलू जी बता रहे हैं कि जांगला में भी बर्फ लग रही है। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में अभी बारिश और बर्फबारी का दौर चला हुआ है, कई क्षेत्रों में अभी बर्फबारी हो रही है। तो इस तरह नहीं है कि प्रदेश में आज मौसम साफ है, कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी का दौर चला हुआ है, लगातार मौसम में खराब बना हुआ है, और 30 जनवरी से इस तरह के हालात प्रदेश में बने हुए हैं। राजपूत मेहता जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं, और सोलन की एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह का मौसम सोलन में है। तो धुंध इस वक्त छाई हुई है, विजिबिलिटी की समस्या है, 200-300 मीटर से दूर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और यही वजह है कि वाहन चालकों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और वाहन चालकों से हमारा आग्रह भी रहेगा कि वो कृपया अपने वाहनों को सावधानी से चलाएं, ध्यान से चलाएं, स्पीड कंट्रोल में रखें, ज़्यादा स्पीड में मत चलें क्योंकि कोई भी हादसा हो सकता है, क्योंकि विजिबिलिटी की जब समस्याएं का सामना करना पड़ेगा और सड़क इस तरह की हो कि सड़कों में गड्ढे पड़े हों तो असुविधाएं बढ़ जाती हैं। और लक्ष्मी चंद जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के बुलेटिन में। बॉबी वर्मा जी आप जुड़ गए हैं तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में मौसम में इस वक्त बदलाव देखने को मिल रहा है, लगातार बारिश का दौर जारी है और मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। शीतलहर इस वक्त पूरा प्रदेश चपेट में है शीतलहर की, और ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। हरीश कांटा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। आप लोगों के माध्यम से हमें बड़ी जानकारियाँ मिलती है कि किस तरह का मौसम इस वक्त आपके क्षेत्र में है, और वही जानकारियां हम आगे साझा करते रहते हैं। लेकिन तस्वीरें संसार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। तस्वीरें हम आपको NH की भी बता रहे हैं क्योंकि चंबा घाट का क्षेत्र है, फोर लेन का यहाँ निर्माण, फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पिछले 4 वर्षों से चला हुआ है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन सड़कों पर पड़े गड्ढों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह की असुविधाओं का सामना पर्यटकों को यहाँ पर करना पड़ रहा है। पर्यटकों के साथ साथ आम लोगों को जो डेली यहाँ से सफ़र करते हैं, तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है। कंडा घाट तक आपको इसी तरह का कई पॉइंट मिल जाएंगे जहाँ पर सड़क की स्थिति ठीक नहीं है, और NHAI शायद इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि NHAI का तो काम ही यही होगा कि बहुत जगहों पर सड़कें उन्होंने डंगे लगाए हुए हैं, फिर से वो गिरने शुरू हो चुके हैं, अभी वाहन वहाँ से चले भी नहीं हैं,
और पुलिस लाइन का एक सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां पर अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने डंगा लगाया था, लेकिन वो डंगा फिर से दरकना शुरू हो चुका है। तो हालात आप देख रहे हैं, मौसम सोलन का अभी फिलहाल धुंध यहाँ पर छाई हुई है। उम्मीद करते हैं कि आज, हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान तो बारिश का है, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि आज थोड़ा मौसम साफ भी होगा, धूप के भी दर्शन होंगे, अदरवाइज ठंड लगातार बढ़ती अब जा रही है। तो मौसम में आज के लिए तो फिलहाल बस इतना ही। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी दिन भर की खबरों के लिए कि आज काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में होने वाले हैं, इसलिए बने रहिएगा पंजाब केसरी टीवी के साथ। हमें दे इजाज़त और मौसम से संबंधित तो जो भी जानकारी हो तो कृपया करके आप लोग साझा किया करें, और करते भी हैं, ऐसा नहीं है। और लक्ष्मीचंद जी, सब्जियों के आज हम आपको भाव नहीं बता पाए, वजह ये है कि आज सोमवार है, सोमवार को मंडी बंद रहती है, काफ़ी कम सब्जियां पहुंचती हैं, एक आधी दुकान ही खुली रहती है, तो आज ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए हम सुबह सुबह तो हमने जाना भी उचित नहीं समझा कि ठंड है। और दूसरा ये है कि मंडी आज बंद है, और सब्जियों के वही भाव है जो चले हुए हैं, लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। सब्जियाँ और फ्रूट एक नए रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश में स्थापित कर रहे हैं कि मंडियों में यदि फ्रूट का रेट 150 रुपये प्रति किलो है तो बाजार में आम उपभोक्ता को 350 रुपये में मिल रहा है। तो देख सकते हैं कि बीच में मुनाफाखोर कितना पैसा कमा रहे हैं, और यही वजह है कि बाजार में सब्जियां और फ्रूट महंगे नहीं बल्कि बहुत महंगे हैं, और मंडियों में सब्जियों में तेज़ी है और फ्रूट में भी तेज़ी है, लेकिन यह जब बाज़ार में सब्जियाँ और फ्रूट पहुँच रहे हैं तो बहुत महंगे हो रहे हैं, क्योंकि मुनाफाखोर इस वक्त खूब पैसा कमा रहे हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही, देखते रहे पंजाब केसरी टीवी, और आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। बारिश में अपना ख्याल रखें, बर्फबारी में अपना ध्यान रखें, और ठंड से बचें। धन्यवाद जी।